गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे मिलती है, यानी रेगुलर बेल कैसे मिलती है, कब मिलती है और रेगुलर बेल कब नहीं मिलती है, और रेगुलर बेल लेने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 33 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 437 से लेकर 437 ए तक। और अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है तो मैं बता दूं बेल की एप्लीकेशन कैसे लिखें, फिर बेल कैसे लें, ऐसा ही कोई वीडियो नहीं है, सीआरपीसी की क्लास है। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आप जाके देखिए, मैंने इसमें सब कुछ बता रखा है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं रेगुलर बेल के लिए, बेल के लिए कैसे पहली दफा में जमानत मिल जाती है, तो वो चीज आप यहां से सीख सकते हो। और अगर आप कोई स्टूडेंट है तब आप ये वाला जरूर देखना, ये वाला वीडियो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। तो देखिए भाई क्या कहता है। हां, अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए। देखिए भाई क्या कहता है 437, When bail may be taken in case of non-bailable offence, भाई अगर गैर जमानती अपराध में अगर कोई जमानत लेना चाहता है तो फिर उसको जमानत कैसे मिलेगी, ये चीज बता रखिए। देखिए 7 तरह की बात कहता है। और अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं ना, तो भाई इसको अच्छे से समझ लेना, इन दोनों सेक्शनों को लास्ट तक इसको समझना कि कहना क्या चाहते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को जमानत ही नहीं दिलवा सके तो फिर क्या न्याय दिलवाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से समझना। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियोग हो, किसी का ऐसा मामला चल रहा हो नॉन बेलेबल ऑफेंस का, या फिर पुलिस का भार साधक अधिकारी यानी कि एसएचओ किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लेता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, या फिर शक के आधार पे कि इसने कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे किया होगा, थाने के एसएचओ ने अगर उसको पकड़ के रख रखा या फिर उसको गिरफ्तार कर लिया, या फिर किसी के ऊपर ऐसा अभियोग लगा, इल्जाम लगा कि इसने कोई ऐसा नॉन बेलेबल कांड ऐसे किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसने किया है, तब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। किस मजिस्ट्रेट के सामने, जो ओवर मजिस्ट्रेट बच गए, सीजीएम मजिस्ट्रेट है आपका, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, अगर इनके सामने उसको पेश किया जाता है फिर लाया जाता है, तब ये लोग क्या कर सकते हैं, उसको जमानत दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेल उसको दे सकते हैं। अगर पुलिस वाला, पुलिस का एसएचओ अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करके लाता है, या फिर शक के आधार पर गिरफ्तार करके लेके आता है, या फिर किसी के ऊपर इल्जाम है किसने नॉन बेलेबल ऐसा ऑफेंस ऐसा किया है, तो वो मजिस्ट्रेट यानी कि इन दोनों को छोड़ के, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ के, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब उसको लाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब उसको क्या कर सकते हैं, जमानत पैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों को छोड़ के। कुछ मामले कौन से, पहले पॉइंट के अंदर ए बात बता दी, ये बात बता दी कि अगर उस पर्सन के ऊपर जिसको ऐसे गिरफ्तार करके लाया गया, अगर वो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु का अगर दोषी है, मृत्यु के जो सजा है, जो दंड है, अगर उसका वो दोषी है तब उसको जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, इसको बारीकी से समझना, मैं फिर बता देता हूं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर थाने का एसएचओ किसी को ऐसे गिरफ्तार करके नॉन बेलेबल ऑफेंस में लाता है, तो वो कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको जमानत दे सकती है, लेकिन इन मामलों में जमानत नहीं दे सकती। किन में, पहले पॉइंट में बता दिया कि अगर वो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का अगर दोषी है तब उसको फिर जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस में 7 साल से ज्यादा की या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु की सजा पहले काट चुका है, कॉग्निजिबल ऑफेंस में 7 साल से ज्यादा की, ये वाला पर्सन जो अभी सामने हाजिर किया हुआ है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, पहले 7 साल से ज्यादा की सजा, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा, या फिर 3 साल से लेकर 7 साल तक का कोई भी कॉग्निजिबल मामले में कम से कम 2 बार सजा काट चुका, यहां पे 1 बार और यहां पे 2 बार काट चुका, पहले सजा काट चुका, अब तीसरी बार या चौथी बार फिर ऐसे बेल किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसे बेल लेने के लिए, तब इसको जमानत नहीं दी जाएगी जी। दोनों बातें समझ लो, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, अगर ये वाली इसका दोषी है तब जमानत नहीं दी जाएगी, अगर पहले इसकी सजा काट चुका 1 बार और इसकी सजा काट चुका कम से कम 2 बार, 2 बार से ज्यादा 2, 3, 4 बार, ठीक है, तब फिर अब जमानत के लिए आया है तब इसको जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों ही तरह के अपराधों में ऐसा अपराध करने वाला कोई 16 साल से कम का बच्चा, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या फिर कोई महिला है, तब उसको जमानत दे दी जाएगी। क्लियर हुआ मामला? फिर कह देते हैं कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है। अब कहां बराबर हुआ भाई? अब लड़कों ने क्या कर रखा भाई? देखो, अगर कोई महिला ये वाले अपराध 2 बार से ज्यादा करती है उसको तो फिर भी जमानत मिल जाएगी, ये वाला कांड करके आई है फिर भी जमानत मिल जाएगी। भैया 16 साल का बच्चा तो चलो मान लेते हैं भाई, बच्चे हैं, पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, बच्चे हैं अभी, नादान है। अब भैया फिर कह देते हैं भारत का कानून सबके लिए बराबर, कहां बराबर हुआ मेरे भाई? तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। लगता तो ऐसा ही आंदोलन, वैसे कौन से आर्टिकल के तहत अधिकार होता है आंदोलन करने का, या मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे कोर्ट को ठीक लगे, मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, परंतु बता दिया भाई, एक परंतु ये है आपका और दूसरा परंतु ये है,
एक परंतु और ये बता दिया कि अगर वहीं पे मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगे और कोई ऐसा वाला बंदा है, यानी कि जो उसके सामने जो एक्यूज खड़ा है ऐसे जमानत लेने के लिए, ऐसे तरस रहा है, उसने ये वाला यानी कि बी पॉइंट के तहत पहले कोई अपराध किया है, और अगर मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगता है कि भाई जमानत दे देनी चाहिए, ऐसा ठीक क्यों लगता है? तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा लगता है भाई मानते हैं चलो पहले इसने दो बार कांड किए हैं, पहले इसने एक बार कांड किया सजा काट चुका है, पर अब की बार इसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया ना नॉन अवेलेबल ऑफेंस में, तो शायद क्या पता बेचारे ने अपराध ना ही किया हो। तो जरूरी थोड़ी है कि हाँ अभी सिर्फ अभियोग लगा। एक चीज और बता दो भाई, बेल है ना, बेल तो जजमेंट आने से पहले ही मिलती है ना। बेल लोग लेते क्यों है? बेल इसीलिए लेते हैं ताकि कस्टडी में उसको ना रखा जाए, एक सेकंड के लिए भी उनकी गिरफ्तारी ना हो, मामला भी चलता रहे और फिर वो जमानत पैसे बाहर रहे, यानी कि उनको एक सेकंड के लिए भी जेल ना जाना पड़े। हाँ अगर जजमेंट आने के बाद अगर आती है किसने दोषी किया फिर तो उसको जेल की सजा मिलेगी ना, इसलिए बेल लेते हैं। तो भैया पहले सजा काट चुका, अगर ये थोड़ी पता कि अब अगली बार भी अपराधी से नहीं किया, शक के आधार पर गिरफ्तार है, तब अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट क्या कर देगी, उसको ऐसे जमानत दे सकती है जिसके ऊपर ये वाले आरोप पहले सिद्ध हो चुके हो, और क्यों जमानत देगी वो अपने रीजन भी ऐसे लिख देगी। तीसरी बात, तीसरा परंतु ये कह दिया कि अगर कोई एक्यूज ऐसे नॉन अवेलेबल ऑफेंस का, अगर कोई एक्यूज है वो ऐसे जमानत लेना चाहता है, तब उसकी जमानत इस आधार पर कैंसिल नहीं की जाएगी कि भाई साक्षी कल को आके, विटनेस कल को आके उसको पहचानेंगे, इस आधार पे उसको ऐसे उसकी जमानत की जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल नहीं की जाएगी। नहीं समझोगे, देखिए क्या कहना चाहता है। मान के चलो मैं किसी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में, मैं खुद किसी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में मैं ऐसे एक्यूज हूँ, और मैंने जमानत के लिए ऐसे एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे को जमानत दी जाए। अब जो सामने वाली जो विरोधी पार्टी है, जो प्रोसिक्यूशन, वो तो टांग अड़ाएगा भैया, वो तो पूरी टांग अड़ाएगा कि मेरे को जमानत ना मिले, मेरे को ऐसे कस्टडी में रखा जाए। तो वो टांग अड़ाने के लिए अलग अलग बातें ऐसे कोर्ट में बोलता है कि साहब इसको जमानत मत दीजिए, बाहर आने के बाद मेरे क्लाइंट को मार सकता है, इसने जान से मारने की धमकी दी थी, ये विटनेस को जाके मार सकता है, ये एविडेंस मिटा सकता है, ऐसे बढ़ चढ़ के बातें ऐसे बोलते हैं। कल को आप भी एडवोकेट बनोगे तो आप भी ऐसे बोलोगे। तो ऐसे में कोर्ट फिर उसने बोल दिया कि साहब इसको जमानत मत दीजिए, क्योंकि कल को जो हमारे विटनेस आएंगे वो इसका थोपड़े को कैसे पहचानेंगे, अगर आपने इसको जमानत दे दी तो वो कैसे पहचानेंगे हमारे विटनेस आके कि ये वही इंसान है। तो इस आधार पे मेरी जमानत को कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसको ग्राउंड नहीं माना जाएगा। साफ शब्दों में ये लिख दिया कि अगर मैं एप्लीकेशन लगाता हूं और सामने वाली पार्टी ये कहती है कि इसको जमानत ना दे, क्यों ना दे, क्योंकि अगर कल को विटनेस आए तो वो इसको कैसे पहचानेंगे, इसका थोपड़े को कैसे पहचानेंगे, इस बात को ग्राउंड नहीं माना जाएगा और इस ग्राउंड के आधार पर जमानत को कैंसिल नहीं की जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक परंतु और बता दिया भाई, ये बता दिया कि अगर इसके तहत अगर जमानत कोर्ट दे रही है 7 साल से ज्यादा या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु में कोर्ट जमानत दे रही है, तो वो जमानत तब तक के लिए नहीं देगी जब तक कि पीपी साहब को सुनवाई का मौका ना दे दिया जाए। पीपी साहब मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, सरकारी वकील हम बोल देते हैं। सरकारी वकील की डेफिनेशन सीआरपीसी के अंदर कहाँ बताई गई है? 3 जगह पे बताई गई है, एक जगह पे, दो जगह पे पीपी साहब की और एक जगह पे असिस्टेंट पीपी साहब की। तो कौन से सेक्शन के अंदर बताई गई ये चीज आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगर आप भी कल को पीपी साहब बनना चाहते हैं, एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो जरूर पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। खासकर जुडिशरी के एग्जाम में पूछता है ये चीजें, ठीक है। तो अगर ऐसे मामले में अगर जमानत दे रहा है तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पहले सुनवाई की जाएगी, सुनवाई से पहले जमानत नहीं दे सकते, इनकी सुनवाई के बाद ही फिर क्या करेंगे, कोर्ट ऐसी जमानत देती है। तो पहले पॉइंट कहते हैं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए सेक्शन का क्या कहता है, ये कहता है कि अगर वहीं पे कोई अधिकारी या कोर्ट जो किसी उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा ट्रायल चला रहे हैं, और उनको लगा कि भाई जिस बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगा ना, आरोप लगा है, अभियोग लगा है, उसने नॉन अवेलेबल ऑफेंस नहीं किया, ऐसा उनको फील होता लगता है कि भाई बंदे के ऊपर इल्जाम तो है पर लगता नहीं कि यार इसने नॉन अवेलेबल ऑफेंस का कोई अपराध किया है क्या, इनोसेंट लग रहा है। पर यह भी है कि कोई ना कोई कांड तो हुआ है, यानी कि अपराध भी सामने दिख रहा है कि हाँ अपराध तो भाई हो चुका है, पर यह नहीं लग रहा कि शायद इसी ने किया है, और इंक्वायरी करना भी बनता है। तब ऐसे में वो कोर्ट क्या कर सकती है, जब तक उस मामले की इंक्वायरी चलती है तब तक के लिए उस पर्सन को बिना गारंटर के सिक्योरिटी बॉन्ड पे छोड़ सकती है। ये मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बता दिया कि जब तक मामले की इंक्वायरी चल रही है तब तक के लिए उसको ऐसे सिक्योरिटी बॉन्ड पर छोड़ सकती है बिना गारंटर के, अपने सह विवेकानुसार जो भी उसको ऐसी शर्तें देंगी। अब शर्तें कौन सी देंगी भाई, तो शर्तों के लिए बता दिया आपके तीसरे पॉइंट के अंदर, यह बता दिया कि अगर किसी पर्सन को जिसने 7 साल से ज्यादा का अगर कोई ऐसा अपराध किया है, या फिर 7 साल की सजा जिसमें मिलती है उससे ज्यादा का अगर कोई अपराध किया है, या फिर आईपीसी के चैप्टर
आईपीसी चैप्टर 6 के अंदर बताता है आपका आईपीसी सेक्शन 121 से लेके 130 तक, या फिर आपका 16 के अंदर आपका बताता है 299 से लेके और 377 तक अननेचुरल तक, या फिर चैप्टर 17 आईपीसी 17 में क्या बताता है आपका 378 से लेके और दान पेटी तक 462। ठीक है, मैं देखिए जब भी आपको सीआरपीसी पढ़ाता हूँ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आईपीसी फिंगर्स पे आता होगा, अगर नहीं आता तो आप फिंगर्स पे सीखिए। अब कैसे सीखना है वो चीज अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे मैं आपको स्पेशल क्लास होती है इन चीजों की कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का क्या कहना चाहता है, किसके अंदर कितनी सजा होती है, कौन सा अवेलेबल नॉन अवेलेबल, सब कुछ आपको झटकों में याद हो, मिनटों में याद हो जाएगा। एक प्रैक्टिस लगती है, वो प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करवाते हैं, लाइव क्लास में भी ऐसे करवा सकते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीज कर सकते हैं, उसके लिए एक बार इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दें, इंक्वायरी ले लें। तो अगर किसी ने ऐसा 7 साल से ज्यादा वाला अपराध किया है, इस धारा के तहत अपराध किया, इन धाराओं के तहत में अपराध किया, इन धाराओं के तहत में अपराध किया, तब अगर कोर्ट उसको जमानत पे ऐसे छोड़ता है तो उसको कुछ शर्तों पे छोड़ेगा, भाई ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। तो शर्तें क्या क्या है, तो यही सारी चीजें बता दी, 3 तरीके बता दी। पहली शर्त तो ये है कि जो भी सिक्योरिटी बॉन्ड के अंदर कोर्ट उसको टाइम देगा उस टाइम के ऊपर कोर्ट के अंदर हाजिर होगा, यानी कि इस बंदे को ऐसे जमानत दे रही है, जमानत में बता दिया कि आपको कोर्ट के अंदर इस टाइम आके हाजिरी लगानी है, तो उस टाइम के अंदर आके ये हाजिरी लगाएगा, और अगर हाजिरी ये नहीं लगा पाता है तब क्या कर दिया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी बॉन्ड को फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी चीज ये बता दी कि ऐसे में जब तक ये चल रहा है मामला, इस मामले से संबंधित यानी कि जो उसके ऊपर ऐसा मामला चल रहा है, जो उसके ऊपर ऐसे अपराध का अभियोग है, जो इल्जाम है, उससे संबंधित कोई और अपराध वो नहीं करेगा भाई। लाइक जैसे मान लेते हैं आपका 420 मान लेते हैं ना, 420 नॉन अवेलेबल मामला हो गया और उस मामले में ऐसे किसी को गिरफ्तार करके लाया गया है, अभी आगे जमानत के लिए गिड़गिड़ाएगा कि साहब मेरे को जमानत दीजिए, तब ऐसे में कोर्ट फिर इसको क्या करेगी, 420 में भी तो 7 साल की सजा होती है, तो फिर कोर्ट इसको कहेगी कि भाई इससे संबंधित आप अपराध कोई और नहीं करेंगे जब तक आपका ट्रायल चल रहा है, जब तक आपका मामला चल रहा है, तो ये शर्तें भी कोर्ट उसको देगी। जैसे 420 बेईमानी हो गया ना, अब और बेईमानी को कहां बता रखा है, 403 के अंदर बेईमानी है, 406 के अंदर बेईमानी है, 407, 8, 9 के अंदर बेईमानी है, ठीक है, फिर ये धोखे वाले सेक्शन आ गए, ये भी बेईमानी के अंदर माने जाते हैं, 415, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और फिर आपका आ गया 23 और 24। हाँ, तो बेईमानी वाले जो धाराएं होगी, इससे संबंधित अपराध आप नहीं करोगे, अगर आप इससे संबंधित अपराध करोगे तब आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, गिरफ्तार करके दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तीसरी बात ये कहता है कि भैया आप अपने मामले से संबंधित जो एविडेंस है उसको नहीं मिटाएंगे, या फिर जो विटनेस है उनको ना कोई धमकी देंगे, ना उनको कोई लालच देंगे कि भैया पैसे ले लो मेरे खिलाफ गवाही मत देना, या फिर ठोक दिए जाओगे अगर मेरे खिलाफ में गवाही दी तो, या फिर कोई और तरह की धमकी देता है, कोई और तरह का डराता है, उसको कोई भय देता है, ठीक है, या फिर कल को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाता है तो आप कल को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टांग नहीं अड़ाएंगे, बल्कि उल्टा आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आप हेल्प करोगे, और अगर आपको पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में बुलाते हैं तो आप जाओ भी है। तो ऐसी ऐसी शर्तें कोर्ट उसको दे सकता है इन मामलों में, तब हम आपको जमानत देंगे, तब आप अगर कोर्ट की ये शर्तें मानते हो तो। इनके अलावा अगर कोई और शर्त भी कोर्ट देती है, कोई भी और शर्त, लाइक कल को आप ये एरिया छोड़ के नहीं जाओगे, देश छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है, तो ऐसी, या फिर कल को जब भी पुलिस आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए आप हाजिर होंगे, तो कोई भी कोर्ट जो अन्य शर्त देती है वो शर्त अगर वो मानने को तैयार है तब कोर्ट उसको इन मामलों में क्या दे सकती है, जमानत दे सकती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चौथी बात ये कहता है कि पहले और दूसरे के तहत में अगर कोर्ट किसी को जमानत देती है तो जमानत क्यों दे रही है अपने रीजन को भी मेंशन करेगी। पांचवी बात कि कोर्ट पहले और दूसरे पॉइंट के तहत में उपधारा 1 और उपधारा 2 के तहत में अगर किसी को जमानत दे रही है तो अगर बीच में उसको गिरफ्तार करवाना हो तो कोर्ट के पास में भी पावर है कि उसको इसे बीच में गिरफ्तार कोर्ट करवा सकती है। इससे अगली बात देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। छठी बात ये कहता है कि अगर किसी का मामला नॉन अवेलेबल है, खैर नॉन अवेलेबल मामला ही पढ़ रहे हैं हम तब से, ठीक है, तो अगर नॉन अवेलेबल मामले में किसी बंदे का ट्रायल चल रहा है भाई, और ट्रायल चलते चलते 60 दिन हो गए, 6 पॉइंट बताता है, अगर नॉन अवेलेबल मामले में किसी बंदे का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल चलते चलते पहले से 60 दिन हो गए और अभी तक वो पर्सन कस्टडी में ही है और उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है नॉन अवेलेबल मामले का, तब ऐसे में 60 दिन के बाद फिर उसको ऐसे जमानत का वो हकदार बन जाता है, उसको जमानत पे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जमानत पे कैसे छोड़ दिया जाएगा, बिना गारंटर के, ठीक है जी। मैं फिर बता देता हूं, अगर किसी पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर नॉन अवेलेबल ऑफेंस का ऐसे आरोप लगा हुआ है और उसका ऐसे मामले का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल चलते चलते 60 दिन से ज्यादा हो गए, तब 60 दिन अगर लगातार मुकदमा 60 दिन तक ऐसे चलता, लगातार का मतलब यह नहीं कि पहले दूसरे, लगातार मतलब अभी तक उसका ट्रायल खत्म हुआ ही नहीं है 60 दिन तक,
तब ऐसे में, और वो अभी तक कस्टडी में है, तब 60 दिन के बाद, यानी कि उसके खिलाफ में कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं है भाई 60 दिन तक नॉन अवेलेबल ऑफेंस में, तब फिर 60 दिन के बाद उसको ऐसे कस्टडी से रिहा कर दिया जाता है, कैसे जमानत पे उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोर्ट उसको नहीं छोड़ना चाहती, उसको जमानत नहीं देना चाहती, तो उस रीजन को भी लिख सकती है कि अभी भी हम इसको कस्टडी में क्यों रखना चाहते हैं। तो छठे पॉइंट के तहत में भले ही अखदार हो, अगर कोर्ट रखना चाहती हो तब भी साथ में अपने रीजन लिख के फिर उसको उसको वहीं पे कस्टडी के अंदर ऐसे बिठा सकती है, क्लियर जी। सातवीं बात ये कहता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद और जजमेंट आने से पहले अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है कि भैया जिस पर्सन के ऊपर ये मामला चल रहा है, जिस पर्सन के ऊपर मामला चल रहा है वो इनोसेंट है, उसने कांड नहीं किया है, ट्रायल खत्म होने के बाद और जजमेंट आने से पहले अगर जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को ये फील हो जाता है, पता लग जाता है कि भाई इसने तो कांड नहीं किया, ये तो इनोसेंट पर्सन है और ये अभी तक कस्टडी के अंदर ही है, कस्टडी के अंदर इसको रखा गया, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, फिर इसको बिना गारंटर के सिक्योरिटी बॉन्ड पे अपने सामने हाजिरी करवा सकते हैं, मामले की सुनवाई के लिए हमारे सामने हाजिर हो जाओ। तो ये सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सातों बात आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सीखते हैं 437 ए, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या कहता है 437 ए पढ़ लेते हैं पहले। बेल टू रिक्वायर, भाई बेल की भी रिक्वायर करवा सकती है एक्यूज से, टू अपियर किस चीज के लिए, टू अपियर बिफोर, भाई सामने पेश होने के लिए, किसके सामने पेश होने के लिए, नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट के सामने पेश होने के लिए बेल की रिक्वायर कोर्ट क्या कर सकती है, उससे ले सकती है। देखिए कैसे ले सकती है, क्या मामला होता है, देखिए दो तरह की बात कहता है कि अगर कोर्ट किसी मामले का ऐसे ट्रायल चला रही है, जैसे कोर्ट होगी ये अक्यूज हो गया, अगर कोर्ट किसी मामले का ऐसा ट्रायल चला रही है और कोर्ट को ट्रायल खत्म होने से पहले या फिर अपील खत्म होने से पहले या लगता है, किसको लगता है, अपीलेट कोर्ट को लगता है या फिर इस ट्रायल कोर्ट को अगर ये लगता है कि भाई कल को अगर इसके इसके मामले के खिलाफ में अगर कोई अपील जाती है तो ये क्या पता वहां पे पेश हो या ना हो, तो उस चीज के लिए इससे जमानत ले सकती है 437 ए के तहत में कि भैया आपको, आप अपनी जमानत दीजिए, कब दीजिए, ट्रायल खत्म होने से पहले कि आप अपनी जमानत दीजिए कि कल को अगर आपके मामले में इससे कि आप अपनी जमानत दीजिए कि अगर कल को आपके मामले के खिलाफ में अगर दूसरी कोर्ट में, ऊपर वाली कोर्ट में अगर अपील जाती है तो वो कोर्ट जब भी आपको बुलाएगी आप हाजिर हो जाओगे। नहीं समझोगे, देखिए एक मामला बताता हूँ, 304 का मामला था, केस था वो रणधीर सिंह के नाम से केस था, उत्तराखंड का केस था। तो 304 में क्या हुआ था, 304 आईपीसी का मामला था लापरवाही का, उसमें एक्यूज निर्दोष साबित हो गया था, ठीक है। अब ये बाइज्जत बरी कर दिया, अब ये बाइज्जत बरी होगा तो जो प्रोसिक्यूशन है आग तो लग जाएगी भैया, सीधी सी बात है कि यार पार्टी को बाइज्जत बरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग कहां जाएंगे, ये लोग अपील करेंगे। अब अपील करेंगे किसके खिलाफ में, इसके खिलाफ में। अब कोर्ट को पहले ही पता है कि भैया ये तो ट्रायल खत्म होने से पहले ही पता है कि भैया तो होने वाला है, यानी कि जो भी इसका निर्णय होने वाला है, जो भी जजमेंट आने वाली है, जजमेंट के खिलाफ में ये लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे। तो इस बात के लिए पहले ही इससे जमानत ले ली कि आप हमको जमानत दीजिए कि अगर कल को आपके मामले के खिलाफ में ऊपर वाली कोर्ट में अपील जाती है तो जब भी ऊपर वाली कोर्ट आपको बुलाएगी उस टाइम पे आप हाजिर होंगे, इस बात के लिए हमको क्या दीजिए, जमानत दीजिए। तब ऐसे में कोर्ट इसे क्या ले सकती है जी, जमानत ले सकती है। और जमानत मान के चलो बाद में इसका मामला भी एक्विटल हो गया, इन लोगों ने जाके अपील लगा दी इस कोर्ट में, इस कोर्ट ने फिर इसको जाके समन भेजा, सूचना भेजी कि भैया आपके खिलाफ में ऐसे ऐसे अपील आई, उस टाइम पे हाजिर हो जी, हाजिर होइए। अब ये हाजिर हो या ना हो भाई, तो इस बात के लिए पहले से इसने क्या दे रखी है, नीचे वाली कोर्ट को जमानत दे रखी है। तो 437 के तहत में पहले ही जमानत ले सकते हैं कि अगर आपके मामले के खिलाफ में कल को अपील जाएगी तो दिए हुए टाइम पे हाजिर हो जाओगे। पहली बात तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कहता है अगर दिए हुए टाइम पे हाजिर ना हुआ तो तब तो जाहिर सी बात उसने जमानत की शर्तों को तोड़ दिया, और जमानत की शर्तों को अगर कोई तोड़ देता तो सीआरपी सेक्शन पे 446 के तहत में कार्रवाई होगी। दोबारा करा देता हूँ 437, देखिए क्या कहता है, नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध। अब गैर जमानती अपराध होते कौन से, वैसे गैर जमानती अपराध भाई देखिए आईपीसी के अंदर बतेरे सेक्शन है, यानी कि जिस सेक्शन के अंदर ये सजा बता रखी है उस सेक्शन के साथ में ये भी बता रखा है कि ये मामला बेलेबल होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा। इसी तरह ये एक्ट होते हैं, एक्ट जितने भी एक्ट होते हैं उन एक्ट के अंदर बताया होता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो
जो अपराध होगा वो बेलेबल होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा, जैसे तंबाकू वाला हो गया, कोई तंबाकू बेचता है, गुटखा बेचता है, ये सब बेलेबल मामले होते हैं, जमानती मामले होते हैं। तो सेक्ट के अंदर ही बता दिया कि जमानती मामले हैं, ठीक है, और अलग अलग एक्ट के अंदर बताया गया कि ये नॉन बेलेबल मामले। तो जो नॉन बेलेबल मामले होते हैं, अगर वो ऐसा कोई अपराध कोई इंसान करता है और पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करती है, तब वो बंदा थाने से जमानत ले ही नहीं सकता। थाने से जमानत तो तब लगेगा जब बेलेबल मामला होगा, तब वो जमानत कहां से ले सकता है? रेगुलर बेल उसको लेनी पड़ेगी। किस कोर्ट से? उसको या तो वो ले एंटिसिपेटरी बेल, अगर किसी को लगता है, जैसे मान के चलो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा होता है, 354 का एग्जांपल ले लेते हैं, 354 नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अब किसी को लगा कि कोई महिला मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाएगी, मेरे को गिरफ्तार करवाएगी, और ये कॉग्निजेबल मामला हो गया, ऐसे में पुलिस जाकर डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। वो चाहता है कि मेरी एक सेकंड के लिए भी गिरफ्तारी ना हो। अब उसके पास में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन तो ये कि जाकर एंटिसिपेटरी बेल लगा दे सेशन कोर्ट में कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है 354 का, जो अपराध मैंने नहीं किया। तब अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है तब उसको एक सेकंड के लिए भी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी बेल कैंसिल हो जाती है, यानी कि एंटिसिपेटरी बेल उसको नहीं मिलती, तब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? दूसरा ऑप्शन ये है, जिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको लेके जाया जाएगा वो उसको रेगुलर बेल दे सकता है। अब वो बेल कब देगा? जब पुलिस उसको ऐसे लेके जाएगी, तो वहां पे फिर अगर उसको, यानी कि पुलिस थाने के SHO ने अगर उसको गिरफ्तार किया नॉन अवेलेबल मामले में या फिर शक के आधार पे, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को छोड़ के जिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको ऐसे पेश किया जाता है, वो क्या कर सकता है? उसको जमानत पे छोड़ सकता है। इस मामले में उसको जमानत पे छोड़ सकता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनको उस पर जमानत पे उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। कौन से मामले? अगर ये वाला अपराध किया है तब उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये वाला अपराध पहले कर चुका है तब नहीं छोड़ा जाएगा, ये वाले अपराध पहले दो बार कर चुका तब नहीं छोड़ा जाएगा, अगर कोई 16 साल से कम का लड़का है फिर महिला, तब उसको जमानत पे ऐसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ठीक समझे इस मामले में, तब उसको जमानत दे सकती है। और अगर वो, ये तो ग्राउंड वाली बात हो गई, ग्राउंड वाली बात आई थी, क्लियर हो गई होगा ना, इस बात को ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि कल को विटनेस आगे इसकी पहचान करेंगे। अगर इस वाले मामले में अगर वो क्या कर रहा है, उसको जमानत दे रही है कोर्ट, तो पहले PP साहब से उसकी सुनवाई करवाएंगे। क्लियर भाई? दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि जैसे मान के चलो इसका मामला चल रहा है, मामला चलते चलते कोर्ट को लगा कि नहीं यार ये इनोसेंट पर्सन है, ये तो लड़कियों को छेड़ सकता ही नहीं है, तब ऐसे में तो भैया इंक्वायरी करना भी जरूरी है। तो जब तक मामले की इंक्वायरी चल रही है तब तक इसको शर्तों के साथ में क्या कर सकती है? सिक्योरिटी बॉन्ड पे बिना गारंटर के इसको जमानत पैसे कोर्ट छोड़ सकती है। क्लियर? तीसरी बात कि अगर किसी को 7 साल से ज्यादा का अगर मामला है, या फिर IPC चैप्टर 6 या फिर 16 या फिर 17 के तहत में कोई अपराध किया उसका अगर मामला है, वो जमानत लेना चाहता है, तो कोर्ट उसको जमानत पे तो छोड़ सकता है, लेकिन कुछ शर्तों पे। शर्तें क्या होंगी? शर्तें वही होंगी कि भाई कल को तुम जो सिक्योरिटी बॉन्ड के अंदर जो टाइम मेंशन है उस टाइम पे तुम हाजिर होगे, और कल को तुम ऐसा किसी के पुलिस में या इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्षी को ऐसे धमकाने में ऐसे कोई गलत काम नहीं करोगे। ये सारी चीजें मैंने ना आपको इस वाले वीडियो के अंदर पहले चीज बता रखी है, यहाँ पे तो खैर बारीकी से मेरे को आपको बताना पड़ेगा ही। और जो चीजें मैं आपको सारी शर्त बता चुका हूँ, वो वाली शर्त या फिर कोई भी और शर्त, कल को देश छोड़ के नहीं जाओगे, कल को आप इनके आस पड़ोस में नहीं जाओगे, पुलिस जब भी बुलाओगे हाजिर हो जाओगे, ठीक है, तो जैसे राहुल गांधी को दिया था कि अब कोई और किसी का मान हानि के लिए किसी और रैली ऐसे आप नहीं करोगे, तो ऐसे जो जो बातें होती हैं। तो अगली बात क्या कहती है कि अगर किसी को ऐसे जमानत पहले और दूसरे पॉइंट के तहत दे रहे तो अपने रीजन को लिख देगा। पांचवें पॉइंट में बता दी कि ऐसे अगर पहले और दूसरे पॉइंट के तहत में किसी को जमानत दी है तो जमानत को कैंसिल करके कभी भी उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। छठे पॉइंट में बता दी कि अगर उसका ट्रायल 60 दिन तक चल रहा है नॉन अवेलेबल ऑफेंस में और उसको ऐसे कस्टडी में रखा हुआ है, तब उसके बाद फिर वो जमानत का हकदार हो जाता है, तब उसको ऐसे सिक्योरिटी बॉन्ड पे कोर्ट उसको छोड़ सकती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं छोड़ रही तो अपने रीजन को ऐसे मेंशन कर देती है। सातवें पॉइंट में अगर कोर्ट को पता लग जाता है कि भैया ट्रायल खत्म होने के बाद और जजमेंट आने से पहले कि ये तो इनोसेंट पर्सन है, इसने कोई कांड नहीं किया, तब ऐसे में कोर्ट और वो कस्टडी में, तब उसको फिर सिक्योरिटी बॉन्ड पे कोर्ट बिना गारंटर के उसको छोड़ देगी और निर्णय सुनने के लिए, जजमेंट सुनने के लिए उसको हाजिर करवा देगी। तो ये और 437 बता चुका हूँ। तो कोई भी अगर आपको डाउट आया हो तो आप भले बेझिझक कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पर्सनली लाइव पढ़ना चाहते हैं तब भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एक बार इंक्वायरी ले लें। थैंक यू भाई।